तो नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपना जो मेमोरी कार्ड है या फिर कार्ड रीडर है उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक करने के लिए बेसिकली आपको जो है देखिएगा, कभी फॉर्मेट करने का कोशिश कीजिएगा तो बोलेगा अनेबल टू फॉर्मेट या फिर ऐसे कुछ तरह तरीके का चीज़ बोल सकता है। तो आपको विंडोज ओपन करना है, यहाँ पर टाइप करना है कमांड प्रॉम्प्ट, एंटर कर देना है इसमें उसके बाद इसमें टाइप करना है डिस्क पार्ट। वो एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज में आएगा, उसको यस कर दीजिएगा, यहाँ पे कर दीजिएगा, उसके बाद टाइप करना है लिस्ट डिस्क में आपको देखना है कि कौन सा डिस्क आपको क्लीन करना है, उसके बाद सेलेक्ट कीजिए उस डिस्क को। तो टाइप कीजिए सेलेक्ट, मेरे केस में डिस्क वन है तो हम सेलेक्ट करेंगे डिस्क वन। ठीक है, एंटर कर दीजिएगा, डिस्क वन इज नाउ सेलेक्टेड। उसके बाद यहाँ पर टाइप कीजिएगा तो बोलेगा डिस्क पार्ट इज सक्सेसिंग इन क्लीनिंग द डिस्क। उसके बाद डिस्क क्लीन हो गया, उसके बाद आप जाइए और पीसी में डबल क्लिक कीजिए इस पे। अगर यहाँ पे डबल क्लिक फॉर्मेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है अगर, तो यहाँ पे टाइप कीजिए सर्च में पार्टीशन। उसके बाद इसको ओपन करना है जो सबसे ऊपर में था, इसको क्रिएट एंड फॉर्मेट डिस्क पार्टीशन को। उसके बाद देख सकते हैं ये 14 GB वाला है अनलोकेटेड है, तो यहाँ पे क्लिक करना है न्यू वॉल्यूम, राइट क्लिक करके उसके बाद राइट जाना है। उसके बाद आपको कितना का पार्टीशन क्रिएट करना है सेलेक्ट करना है, तो इसको फुल ही रहने दें, नेक्स्ट। उसके बाद असाइन इसको ऐसे ही रहने दें, नेक्स्ट। उसके बाद NTFS से 532 कर लीजिए, आपको जो भी फॉर्मेट पसंद है। अगर आपको नहीं पता है क्या कर रहे हैं तो 532 ही रहने दीजिए। उसके बाद नाम सेलेक्ट कीजिए इसमें, उसके बाद नेक्स्ट कीजिए और फिनिश कर दीजिए। तो बेसिकली ये पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा, कहने का मतलब आपका डिस्क जो है सो ठीक हो गया। देखिए आप इसमें एक्सेस कर पाएंगे, खुल गया। तो ऐसे ही करके आप जो है सो किसी भी खराब SD कार्ड या पेन ड्राइव को ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे, जय हिंद, जय भारत, पीस।